हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सो यहाँ पर 11th का अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आपको शेयर किया जा रहा है, जो कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा में जो एनुअल अपना का एग्जाम है उसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये पूरी बुक का निचोड़ है, मीन्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको शेयर किया जा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइक कर लें, प्रेजेंटी अपना लगा लें, और जो न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है, तो प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ये देखते हैं। ओके, तो क्या है? पहला, अनुसूचित निर्माण के भौतिक के बाहरी पक्षों में उन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिनका उल्लेख प्रश्नावली के निर्माण के दौरान किया गया है। दूसरा है कि अनुसूचों का आकार 8x11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूचनाएं, तीसरा, सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए। चौथा है कि अनुसूचित निर्माण में उचित शब्दों का व प्रश्नों का चयन आवश्यक है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है आनंद और समावेशी संकरण क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद और समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर करें, तो क्या अंतर है ये देखते हैं। ओके, क्या आनंद श्रृंखला उपयोग विशेषण और संज्ञा के रूप में किया जाता है? इस श्रृंखला में एक वर्ग के ऊपरी सीमा उस वर्ग में शामिल नहीं होती है और आने वाले कक्षा में शामिल होती है। उदाहरण जैसे 0, 110, ठीक है, 120, ऐसे ऐसे शामिल होती है। ठीक है, 130, तो डैट डैश, जिस 0 से 110, फिर 110 से 120, इस टाइप में ये क्या होती है, शामिल होती है। ओके, नेक्स्ट होता है समावेशी श्रृंखला, वह श्रृंखला जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, अतः एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है। निम्नलिखित आंकड़ों से क्या मानक विचलन की गणना कीजिए? ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नीचे हम आपको दिखाते हैं, ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर आकलन करना, तो आकार दिया था, आवृत्ति दी थी, अब निकालना क्या है, काल्पनिक से विचलन। क्या होता है, एक्स माइनस ए, ए क्या होता है, ए इक्वल टू 5 लिया गया। ठीक है, जो क्या है, सॉरी, एक्स माइनस जो डिफरेंस होता है वो कितना लिया गया, 5 लिया गया। ठीक है, तो विचलन का वर्ग एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना, विचलन का वर्ग विचलन तथा आवृत्ति का गुणनफल कितना हो जाएगा, डी -20, 16 -20, और फिर क्या हो जाएगा, विचलन तथा ये, तो देखो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर करें तो इतना हो गया। ठीक है, ऐसे देखो, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये कहाँ से आया, 30 -30 20, ये क्या होता है, आवृत्ति का गुणनफल। अब विचलन वर्ग तथा आवृत्ति का गुणनफल डी एफ डी का स्क्वायर, मतलब होता है एफ डी आए, इसका स्क्वायर कर दो तो इतना हो जाएगा। ये एफ और डी है, जो एफ ये है और डी ये है। ठीक है, 5 × 20 जैसे यहाँ पर है, 10 × 3 30, ठीक है, तो ये एफ डी है, ये क्या है, एफ डी है। ओके, ये जो है एफ डी है। तब क्या करना, देखो ए इक्वल टू कितना लिया, 5, ठीक है, ए इक्वल टू 5, तो अब एक्स माइनस ए करना है, तो कितना हो जाएगा, -4 -3 ऐसे किया, और डेल जो टोटल एफ है वो 100 है, एफ टी इतना है, और एफ डी का स्क्वायर, जो फार्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए, इस हिसाब से आप इजिली कर सकते हो। जैसे कि प्रमाप विचलन जो कि सिग्मा से करते हैं, रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये आप ध्यान दें कि सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर होता है, इसलिए एफ डी भी निकालना जरूरी है, एफ डी स्क्वायर भी निकालना जरूरी है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं, कट कर देते हैं, और सॉल्व करने पर कुछ इतना आपका तो आ ही जाएगा, अगर नहीं आता इतना तब भी बहुत अच्छा, ये आ जाता है, सॉल्व कर लेते हैं तो 2.07, वैसे भी इजी तरीका है कि 4 का हाफ 2 होगा। ठीक है, और फिर क्या करोगे, फिर 2 हो गया, 2 तो हाफ होगा नहीं, 0, फिर 28 में देखो, 7 × 28 मतलब हाफ करना, तो ये देखो आप इतना भी अगर याद करते हो, ये क्वेश्चन को याद कर लो, बहुत अच्छे समझ लो, तो आपसे इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र को किसी उदाहरण की सहायता से समझाइए। ओके, लॉरेंज वक्र को किसी एग्जांपल से आपको समझाना है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिंदु रेखा माप है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा को जितने क्या है
क्या किया जाता है, जितने पास होगा श्रेणी में अपकीर्ण की मात्रा उतनी ही कम होगी, अर्थात वितरण में उतनी ही कम असमानताएं पाई जाएगी। इसके विपरीत लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से जितना दूर होगा श्रेणी में अपकीर्ण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा पर पड़ता है तो श्रेणी का अपकीर्ण बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है, नहीं माना जाएगा। ये है दो लॉरेंज वक्रों में से जो वक्र समान वितरण रेखा को पास होगा उसी श्रेणी में दूसरे की अपेक्षा कम अपकीकरण माना जाएगा। ओके, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों की व्याख्या कीजिए। देखो क्या है, तो है ऊर्जा के प्राथमिक वे स्रोत हैं जो प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, इनका प्रत्यक्ष प्रयोग होता है, जैसे कि कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम आदि, जबकि दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताइए। ऊर्जा, सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए लाभकारी है, जब इसे उपयोग किया जाता है तो यह वातावरण में CO2 और अन्य हानिकारक गैसों नहीं छोड़ती। सौर ऊर्जा के पैनलों को आसानी से घरों में कहीं पर भी रखा जा सकता है, इसलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में यह काफी सस्ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। बस 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड ठीक है नामक अभियान आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य कम समय में देश का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के गठन को कारण बताइए। अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के विभिन्न साधनों और रणनीतियों को समझने के उद्देश्य से दुनिया के विभिन्न देशों को सार्क, यूरोपियन संघ, आसियान आदि जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के गठन से सदस्य देशों को मदद मिलती है, अन्य सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई विकास रणनीतियों और उपायों को जानना है, यह उन्हें अपनी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करने सॉरी पूरा टिक हो गया हाँ विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, ठीक है, क्या करता है, सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर यह है, इसी प्रकार अपने सदस्यों देशों के बीच सामाजिक प्रगति सांस्कृतिक विकास में भी तेजी लाने के लिए नीतियों तैयार करता है। दूसरे इन्हें के समूहों की स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सदस्यों देशों की शांति और स्थिर बनाए रखता है। मतलब क्या है, स्थिर बनाए रखना, शांति बनाए रखना। इसके अतिरिक्त समूह अपने साझा हितों की रक्षा के लिए आम मुद्दों पर एकीकृत तरीकों से अपनी आवाज उठाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे औसत की विशेषता बताइए क्या होते हैं। विशेषता है, पहला मध्य स्पष्ट तथा स्थिर होना चाहिए, माध्य समग्र का प्रतिनिधि होना चाहिए, माध्य निकालने तक समझने में सरल होना चाहिए, ठीक है, जो अच्छे औसत होते हैं। माध्यिका के चार गुण लिखिए, माध्यिका के गुण निम्नलिखित है, इसमें इसका क्या होता है, गणना सरल होता है, सुपरिभाषित होता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हमने शेयर किया। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, ये सब क्वेश्चन को जो बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर चार गुण होना चाहिए, दो ही लिखा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि चार नंबर का है तो चार नहीं, तीन नंबर का है तो चार जरूर लिखें, तीन तो होना चाहिए पर चार जरूर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से पढ़ लें, जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।